सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है और उनको डायलिसिस की भी आवश्यकता हो रही थी और उच्चतर उनको इलाज की आवश्यकता थी। इसको देखते हुए यहाँ के चिकित्सकों ने इसकी अनुशंसा की, बोर्ड का गठन हुआ, बोर्ड ने भी इसकी अनुशंसा की है। अभी यदि वहाँ जाने के बाद वहाँ के यदि वरीय चिकित्सकों ने इस चीज़ को लेकर वापस रिम्स भेजने का निर्णय किया है तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के चिकित्सक का ये हो सकता है कि उन्होंने जांच के क्रम में ये पाया होगा कि अब स्थितियाँ पहले से बेहतर हैं, इसलिए उन्होंने भेजने का निर्णय किया होगा। अभी तक मुझे इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यदि मुझे आधिकारिक जानकारी होगी तो मैं आपको आधिकारिक तौर पर फिर से बताऊं। मंत्री जी, लगता नहीं है कि जो रिम्स का मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है या जो अनुशंसा की गई उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे एम्स तक रेफर किया गया और एम्स ने इसको रिफ्यूज नहीं। 4.6 यदि क्रिएटिनिन है तो आप समझ सकते हैं कि क्रिएटिनिन यदि 4.6 है तो वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, और यदि वो सामान्य से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और यदि उनको ये महसूस हो रहा था कि नहीं हमको जो है उच्च इलाज की ज़रूरत है, ऐसी परिस्थिति में चिकित्सकों ने उनको बेहतर इलाज के लिए भेजा है, और यदि वहाँ के चिकित्सकों ने अभी स्थिति को सामान्य बताया है तो ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य बात है। चला।